इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेकर। अब से कुछ देर पहले मल्लिका अर्जुन खड़गे, जो कि AICC के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अनाउंस किया है नया प्रेसिडेंट का नाम, जिनका नाम शुभंकर सरकार के नेशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं शुभंकर। हाल अब तक अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय के जिम्मेदार थे, उन्हें बंगाल की कांग्रेस की बागडोर संभालने को दी गई है। और दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस का एक बड़ा नाम है और नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं हाउसेस में, उनको इस जिम्मेदारी से रिलीज कर दिया गया। जी, अधीर रंजन चौधरी इस बार कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की एक वजह भी बोल सकते हैं। कहा जा सकता है कि पिछले 5 बार से MP रहे अधीर रंजन चौधरी एक नए कैंडिडेट के सामने, TMC के हेवी वेट यूसुफ पठान से हार चुके थे अपना बहरामपुर सीट, जो कि 25 सालों से उनका किला रहा था। उसके बाद ये नया फैसला आया। आपको बताया कि अधीर रंजन चौधरी हारने के बाद ही अपनी इच्छा जाहिर कर चुके थे कि वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी से वो रिज़ाइन करना चाहते हैं, जिसके बाद ये कवायद चली। और आज शनिवार के देर शाम मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस प्रेसिडेंट ये बयान देते हैं कि वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को एक नया प्रेसिडेंट दिया जा रहा है। अब देखने की बात यह है कि लास्ट लोकसभा इलेक्शन के वक्त में जो एक डिस्प्यूट था, या फिर कहे कि जो अग्रीमेंट नहीं हो पाया था, जो तैयारी नहीं हो पाई थी बंगाल में TMC के साथ में गठबंधन बनाने का, वो क्या आगे जाकर शुभंकर सरकार के होने से आसान होगा। जी हाँ, हमेशा से अधीर रंजन चौधरी का रुख TMC को लेकर बहुत साफ नहीं रहा। अधीर रंजन चौधरी कहीं ना कहीं TMC के साथ बंगाल में राजनीति करने को तैयार नहीं थे, गठबंधन बनाने को तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ शुभंकर सरकार छात्र नेता से आगे बढ़े हैं, कहा जा रहा है बहुत उम्मीदें लगाई गई हैं कि शुभंकर सरकार के प्रेसिडेंट, वेस्ट बंगाल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के बाद में शायद बहुत कुछ चेंज हो और राजनीति में, खास करके कांग्रेस के बंगाल के राजनीति में कुछ तेज़ी आए। पिछले दिनों हमने देखा था कि लोकसभा में कांग्रेस और उसके अलायंस पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि सरकार नहीं बना पाई, लेकिन अच्छे नंबर्स के साथ में वो लोकसभा पहुंच गई थी। अब देखना यह है कि बंगाल में शुभंकर सरकार के आने के बाद में कितना कुछ चेंज होता है और आने वाले इलेक्शन की तैयारी कैसे रहती है कांग्रेस की, और कांग्रेस के खास करके कार्यकर्ता और नेतागण में किस तरह का लहर आता है, किस तरह की खुशी और किस तरह का जोश आता है शुभंकर सरकार के नए अपॉइंटमेंट के साथ में। न्यूज़ टैग और हालात बंगाल से मैं 26 शुक्रिया।